लोग करोड़पति सिर्फ किस्मत से नहीं बनते, बल्कि उनकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि उन्हें करोड़पति बनाने में मदद करती हैं। और इन आदतों के बगैर चाहे आपकी जितनी मर्जी किस्मत हो, आप करोड़पति बन ही नहीं सकते। तो क्या हैं ये आदतें? आज मैंने 5 ऐसी जरूरी आदतें चुनी हैं जो आपको करोड़पति बनाने की राह में मदद करेंगी। तो इससे पहले कि हम इन आदतों की बातों में खो जाएं, स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलरली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो क्या है ये आदतें जिनको अगर आप एक डेडिकेटेड वे में फॉलो करें तो आपको अमीर बनने से शायद ही कोई रोक पाएगा। सबसे पहला, सेट गोल्स। आप जब घर से निकलते हैं तो क्या आपको मालूम होता है कि आपने कहां जाना है? या फिर घर से निकल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि रास्ता जहां ले जाएगा वहीं चल पड़ेंगे? ऑब्वियसली पहले डिसाइड करके निकलते हैं ना कि कहां जाना है। तो जब रोजाना की जिंदगी में आप ऐसे गोल्स सेट करके निकलते हैं घर से, तो अपने लाइफ की गोल्स पहले सेट क्यों नहीं कर लेते? आपने कहां जाना है ये डिसाइड करने के बाद आप रास्ता चुनते हैं, सोचते हैं कि किस रास्ते से जाऊंगा तो सबसे छोटा और इजी पड़ेगा। ठीक इसी तरह जब जिंदगी के गोल सेट कर लें तो उसके लिए प्लान्स बना लीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है जो मुझे मेरे गोल तक जल्दी से जल्दी और एक आसान तरीके से पहुंचा देगा, चाहे करियर रिलेटेड गोल्स हो या फिर फाइनेंशियल गोल्स। पहले उनको सेट कर लीजिए और फिर उनकी प्लानिंग कर लीजिए। ऑफकोर्स कई बार रास्ते बंद मिलेंगे, यानी हिकअप्स या फेलियर्स आएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप चूक कर घर चले जाइए। इसका यही मतलब है कि एक नया रास्ता ढूंढिए। अगर आपको अपना फाइनल गोल पता है और उस पर नजरें टिकी हुई हैं, तो आपको रास्ता भी जरूर मिल ही जाएगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दूसरी आदत अमीर लोगों की है, डिसिप्लिन। पिछले 2 सालों में कई बार जब लॉकडाउन लगे, सारे ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। क्या ऐसा कई बार हुआ है आपके साथ कि काम करते करते सडनली आप किसी यूट्यूब वीडियो को देखने लगते हैं और फिर एक के बाद एक बेकार वीडियो देखते चले जाते हैं और सडनली रियलाइज करते हैं कि घंटे निकल गए हैं, या फिर किसी मोबाइल गेमिंग में बिजी हो जाते हैं आप? यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन का महत्व जानते हैं, चाहे ये डिसिप्लिन आपके करियर में हो या फिर इन्वेस्टिंग लाइफ में। इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन की बात मैंने कई बार की है। रेगुलरली इन्वेस्ट करने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही जल्दी हासिल हो सकती है, और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो में बात की है, इस वीडियो को आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरी आदत है टू टेक रिस्क। बिना रिस्क लिए आज तक कोई भी अमीर नहीं बन सका, चाहे वो जेफ बेजोस हो, एलोन मस्क हो या फिर वॉरेन बफेट हो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप आज ही सारा पैसा अपना NFTs या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। रिस्क उसी चीज में लीजिए जिसमें आपको डाउनसाइड्स पता हो और अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो, स्पेशली आपके लिए। जैसे अगर करियर की बात करें तो आपके कुछ पैशंस, लाइकिंग्स या स्किल्स होंगे जो सबके पास नहीं होंगे। अगर आप अपना जॉब क्विट करके एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ऐसे ही किसी चीज में स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका पैशन हो या फिर आपकी लाइकिंग बहुत हाई हो या फिर स्किल्स बहुत हाई हो। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक CA हैं और आप एक ऑडिट फर्म में काम कर रहे हैं काफी सालों से, अब आप सोचते हैं कि जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सके। जब आप अपने रिश्तेदारों या फ्रेंड से बात करते हैं तो आपको ये बताते हैं कि आजकल कोडिंग में बहुत पैसा बन रहा है, वही आजकल की नई चीज है। तो क्या आपके लिए ये रिस्क सही रहेगा? नहीं। इवन तो कोडिंग में हो सकता है पैसा बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपके लिए रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको इसकी समझ बहुत ही कम है। अगर आप एक CA फर्म ही खोलते हैं या कोई अकाउंट्स या ऑडिट रिलेटेड काम खोलते हैं तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग आर मच हायर। तो अगर आपको रिस्क लेना ही है तो उसमें लीजिए जो चीज आपको समझ आए, लेकिन रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है अमीर बनने की। सिमिलरली फाइनेंस या इन्वेस्टिंग में भी रिस्क लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको भी समझ के। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए समझ लीजिए, तो फिर FDs में पैसा बचाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। सिमिलरली अगर आप 1 साल के बाद कुछ खर्च करना चाहते हैं और उसको आप इक्विटी मार्केट में लगा देते हैं तो इसका रिस्क बहुत ही हाई है, ये भी आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। हमारे CA वाले एग्जांपल से ही चौथी आदत निकल के आती है अमीर लोगों की, फॉलो योर पैशन। बहुत जरूरी है कि आप अपने पैशन या लव को फॉलो करें। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो आपका पैशन या लव है तो आपको कभी भी जिंदगी में काम नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए एक हॉबी होगी, और हॉबी हॉबी में आप अच्छे पैसे भी कमा लेंगे, जो बाकी दुनिया को देख के लगेगा कि आप कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और जब आप अपने पैशन या लव को फॉलो करते हैं तो चाहे बीच में जितनी भी रुकावटें आ जाए, आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं उसके अराउंड। आज के इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। अमीर लोगों की एक बहुत खास आदत है कि वो अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप और मैं अपनी आधी जिंदगी ये सोचते हुए निकाल देते हैं कि काश 5 साल पहले मैंने ऐसा ना किया होता या फिर 10 साल पहले ऐसा वैसा कर लिया होता, लेकिन अमीर और कामयाब लोग अपना टाइम इन ख्यालों में नहीं बिताते क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी सोच सिर्फ स्ट्रेस और ग्रीफ ही देती है, इसलिए उनकी नजरें सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस्ड रहती है। वो सिर्फ अपने प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो अगर आप भी अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो आज से ही इन आदतों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे थम्स अप बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सी आदत सबसे जरूरी है, और ये भी बताएं कि और कौन सी आदतें हैं जिनको हम इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं।
Thank you for watching Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.